जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने किया था। आपको बता दें कि रूबिया ने सीबीआई की विशेष अदालत के सामने गवाही में यासीन मलिक समेत चार आतंकियों की पहचान की जिन्होंने उनका अपहरण किया था। रूबिया पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बहन है। यह पहली बार है जब रूबिया को इस मामले में पेश होने के लिए कहा गया था। वे फिलहाल तमिलनाडु में रहती हैं। आपको बता दें कि रूबिया का अपहरण 8 दिसंबर सन 1989 को हुआ था। उनकी रिहाई के लिए 13 दिसंबर को सरकार को 5 आतंकवादियों को छोड़ने पड़े थे। उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के गृह मंत्री थे। तो वहीं सीबीआई ने सन 1990 की शुरुआत में इस केस को अपने हाथों में ले लिया था। आपको बता दें कि यासीन मलिक एक अलगाववादी नेता है और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा हुआ है। वह कश्मीर की राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहा है। उस पर युवाओं को भड़काने और हाथों में बंदूक लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। इतना ही नहीं, यासीन पर पाकिस्तानी आतंकियों के साथ संबंध रखने का भी आरोप। सन 1990 में कश्मीरी पंडितों की हत्या कर उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर करने के लिए भी यासीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।